स्पेशली पाइल्स में ही हमको ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं. तो मुझे जैसे कि एक वुमन अचीवर्स अवार्ड मिला है, वॉल ऑफ फेम में एक अवार्ड मिला है, और एक दिल्ली में एक अवार्ड मिला था बेस्ट पाइल्स हॉस्पिटल करके. और एक वुमन्स डे पे स्पेशल मुझे बेस्ट फीमेल सर्जन का एक अवार्ड मिला हुआ है. और उसके अलावा और कई अवार्ड्स मिले हैं मुझे, अभी तो मुझे याद नहीं इतना. लेकिन हॉस्पिटल में इतने सालों से जो हम स्पेशली इसी फील्ड में काम कर रहे हैं उसको देखते हुए हमारा एप्रिसिएशन हमको अच्छा मिला है इसमें. मैडम मुझे एक बात बताइए कि जैसा एनल रीजन में कितना ये एनल रीजन में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, उसके साधारण से लक्षण क्या रहते हैं? हाँ, एनल रीजन में होने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाइल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एनल रीजन में होने वाली बीमारी को कॉमनली लोग बोलते हैं पाइल्स. और पाइल्स एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. एनल रीजन में होने वाली सबसे कॉमनेस्ट बीमारी है पाइल्स, फिशर और फिस्चुला, ये सबसे कॉमनली होती है. उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पाइल्स जो वर्ड लोग बोलते हैं, एक ये कॉमन टर्मोलॉजी है हीमोरॉयड के लिए. हीमोरॉयड यानी गुदमार्ग में होने वाले मस्से. तो वो इस कारण से होते हैं कि अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है या फिर उसको बार बार मोशंस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, मोशंस प्रॉपर नहीं हो रहे या ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है या हार्ड मोशन हो रहे, तो ऐसे लोगों को पाइल्स की बीमारी होने के चांसेस होते हैं. उसके अलावा पुरुषों में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये भी एक कॉज है पाइल्स होने का. और पाइल्स का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यानी जो हीमोरॉयड का अगर हम लक्षण बोलेंगे तो उसमें ब्लीडिंग सबसे प्राइम उसका लक्षण है कि पेशेंट को बीच बीच में ब्लीडिंग होते रहता है. दूसरा, उसको इंटरमिटेंटली वहाँ ईचिंग रह सकता है यानी खुजली हो सकती है थोड़ी. और उसके अलावा अगर मोशन हीमोरॉयड्स ज़्यादा बड़े हो जाए तो उसमें उनको जलन भी हो सकती है अगर मोशन घिस के आए तो. साधारणतः हीमोरॉयड्स ये तीन ग्रेड में होते हैं. हीमोरॉयड के तीन ग्रेडेशंस होते हैं. कॉमनली हीमोरॉयड टू टाइप्स के रहते हैं, इंटरनल हीमोरॉयड और एक्सटर्नल हीमोरॉयड. एक्सटर्नल हीमोरॉयड तो एक्सटर्नली आने वाली जो ब्लड वेसल्स है उस पर स्ट्रेनिंग होने के कारण जो मस्से बन जाते हैं, जो एनगॉर्जमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हीमोरॉयड. और जो इंटरनल हीमोरॉयड्स है, इंटरनल हीमोरॉयड में ग्रेडेशंस होते हैं, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर. नॉर्मली ग्रेड वन के हीमोरॉयड में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो यूजुअली ट्रेनिंग के कारण उसको बन जाते हैं, लेकिन वो एकदम प्राइमरी स्टेज होती है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को नहीं होते. लेकिन जैसे जैसे वो हीमोरॉयड ग्रेड टू में जाने लगते तो पेशेंट को थोड़ा बहुत बर्निंग हो सकता और कभी हार्ड मोशन होने की कारण उसको उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकता है इंजुरी के कारण. ग्रेड थ्री एक ऐसा स्टेज है जिसमें हीमोरॉयड पेशेंट को मोशन करते समय बाहर आ सकते हैं, जोर लगाने के कारण थोड़े बाहर आते और फिर अपने आप अंदर चले जाते, कभी कभी रुक जाते और उनको प्रेस भी करना पड़ता है अंदर. तो ये हो गया है ग्रेड थ्री. ग्रेड फोर में ऐसा है कि ग्रेड फोर में हीमोरॉयड कम्प्लीटली बाहर आ जाते हैं और बाहर ही रुक जाते हैं. कभी कभी मैनुअल रिडक्शन से वो अंदर जाते हैं, अदरवाइज़ कभी कभी अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गए तो वो अंदर भी नहीं जाते और ऐसे में पेशेंट का बैठना भी मुश्किल हो जाता है. तो यह है कॉमन के मीन्स पाइल्स के कॉमन सिम्टम्स और ये कारण जो मैंने आपको बताया. मैडम मुझे एक बात बताइए, जैसी पुरुष और महिला, तो महिलाओं में कुछ अलग लक्षण पाए जाते हैं क्या इस एनोरेक्टल रीजन? नहीं, महिलाओं में कुछ अलग लक्षण नहीं, क्योंकि बीमारी तो वही है. हाँ, महिलाओं में कारण अलग होते हैं. महिलाओं में इस बीमारी के कारण थोड़े अलग होते हैं. जैसे कि महिलाएं स्पेशली मेल्स की तुलना में फीमेल बॉडी डेलिकेट बॉडी है, तो मेल की तरह उनका डाइट भी इतना वैसा नहीं रहता जैसा मेल पर पेशेंट जो रहेगा उसके डाइट में और फीमेल पेशेंट के डाइट में बहुत फ़र्क पड़ता है. लेकिन अगर फीमेल पेशेंट भी उस तरह का डाइट लेने लगे, हेवी डाइट, हेवी नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोक, तो फिर उनमें
ये प्रॉब्लम जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस है मेल की तुलना में। दूसरा, फीमेल में और दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि फीमेल को जल्दी से एटमॉस्फेयर का फ़र्क पड़ता, थोड़ा भी उनका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, वातावरण चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, बदलाव हुआ खाने पीने में समय में, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर जाता है और उनको इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम जल्दी होते हैं कंपेरेटिवली। तीसरा कि फीमेल्स में एंग्जाइटी और ये भी ज़्यादा देखी जाती है, तो उसके कारण भी उनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। चौथा और एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि फीमेल्स में ड्यूरिंग एजुकेशन अगर उनको बाहर जाना पड़ता है, खाना बाहर का खाना पीना पड़ता है, तभी भी उनको ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और उसके अलावा दो ऐसे स्टेजेस है जो मेल्स में नहीं आपको रहेंगे, जो कारण मैं बता रही अभी, कि मैरिजेस में कोई भी मेल फीमेल के घर में नहीं जाएगा, कोई भी मीन्स वुमन को ही जाना, मीन्स लड़की को ही जाना पड़ता है शादी होके दूसरे घर। तो जब वो दूसरी फैमिली में जाती है तो उसको दूसरी फैमिली में एडजस्ट करना पड़ता है, तो दूसरी फैमिली में जब जाती है तो उसका पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, खाना पीना, खाने का रूटीन, खाने के तरीके, इवन फूड्स, खाने बनाने के तरीके, तो उसका टोटल डाइट, एटमॉस्फेयर, माइंडसेट सब कुछ चेंज हो जाता है। इवन उसका टाइमिंग्स भी चेंज होता है, जैसे अपने घर में वो 7 बजे खा रही होगी खाना, तो वहाँ जाके उसको 9 बजे खाना पड़ रहा है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी, एंग्जाइटी, सभी चीज़ें होती। तो पोस्ट मैरिजेस भी बहुत सारे लोगों में पाइल्स इमीडिएटली आफ्टर मैरिज देखा जाता है, तो कई बार उनको ऐसे ब्लेम भी किया जाता है, ये तो आपको पहले से ही होगा, आपने तो बताया ही नहीं है हमको, तो ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, उनकी सिचुएशंस चेंज हुई, हार्मोनल चेंजेस हुए, शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस बॉडी में भी होते हैं, और फीमेल में तो एटमॉस्फेयर भी चेंज हुआ, घर ही चेंज हुआ, फैमिली चेंज हो गई, माता पिता छूट गए, सब कुछ छूट गया, तो ऐसे में तो उनको पाइल्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ को लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक सिचुएशन है। दूसरी कि जब प्रेगनेंसी रहती है, जैसे कि अभी मैंने बताया फैमिली चेंज हुई, सब चेंज हुआ, सिचुएशन चेंज हुई, तो पाइल्स का प्रॉब्लम चालू हो सकता है फीमेल्स में। सेम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरा 9 महीने का प्रेगनेंसी टाइम रहता है, जिसमें 3 ट्राइमेस्टर रहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तीनों ट्राइमेस्टर में सिचुएशंस बॉडी की एकदम अलग अलग चेंज होने लगती है। पहले ट्राइमेस्टर में पेशेंट को नौशा वॉमिटिंग के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में उनको आयरन कैल्शियम्स वगैरह जो स्टार्ट हो जाता है उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूट्राइन साइज बढ़ जाने के कारण एनोरेक्टल रीजन जो है वो कॉम्प्रेस होता है यूट्रस साइज बढ़ने के कारण, तब उस समय भी पेशेंट को स्ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये तीनों सिचुएशन में पेशेंट को बार बार कॉन्स्टिपेशन होके या फिर स्ट्रेनिंग के कारण पाइल्स और फिशर्स के प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम आफ्टर डिलीवरी, जब लैक्टेशन चलता है, जैसे फीडिंग के लिए जब बच्चों को दूध पिलाती है माँ, उस समय भी उसको पाइल्स फिर से होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसको ऑलरेडी कैल्शियम चलते रहता है और उसके बॉडी से 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड लॉस एक्स्ट्रा होता है फीडिंग इसके कारण, मिल्क सिक्रेशन के कारण, तो जो कि वो फुलफिल नहीं किया जाता। उसके अलावा लोग पोस्ट डिलीवरी अगर सीजर हुआ है तो फीमेल को पानी कम पीने बोलते हैं कि नहीं पानी मत पियो, पेट छूट जाएगा। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, मैं आप इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, उल्टा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि लैक्टेशन में जो उनका 1.5 लीटर फ्लूइड लॉस हो रहा है वो, और उनकी खुद की 3 लीटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 3.5 से 4 लीटर पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो पूरा ना होने के कारण भी लैक्टेशन के दौरान लोगों को पाइल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सब एकदम प्राइम मैंने आपको चीज़ें बता दी। उसके अलावा मेनोपॉज, ड्यूरिंग प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में भी पेशेंट के, फीमेल पेशेंट्स के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होके उनको पाइल्स के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, और प्रेगनेंसी डिलीवरी में अगर उनको थोड़ा बहुत हुआ रहा होगा तो इस दौरान उनका पाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस समय बहुत अच्छे से प्रिकॉशन लेके उनका पूरा, अगर उस दौरान प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो कम से कम इस समय उनका प्रॉपर चेकअप और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उनका एक्सट्रीम सिचुएशन होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज। हीमोराइड में जो लक्षण होते हैं वो पुरुष और महिलाओं में कुछ अलग तरह के, महिलाओं में कुछ अलग तरह से लक्षण पाए जाते हैं कि इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों में लक्षण एकदम अलग है। हाँ, हीमोराइड साइज थोड़ा फीमेल में
छोटा रह सकता है, और मेल्स में काफ़ी बड़े हीमोरॉइड्स हमने आज तक की प्रैक्टिस में हमने देखे कि बहुत बड़े बड़े हीमोरॉइड्स हमने मेल पेशेंट में ही ज़्यादा देखे। मोस्ट प्रोबेबली वो ब्लड वेसल साइज़ के वजह से हो सकते हैं, और उनका स्ट्रेनिंग भी ज़्यादा रहता है, और उनका फूड और हैबिट्स भी अलग रहती है, और उनके मसल्स भी मसल टोन्स भी अलग रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके वजह से ऐसा हो सकता है, बाकी डिफरेंस ऐसा कुछ डिसीज में नहीं रहेगा। हीमोरॉइड्स की जांच किस तरह से की जाती है? हीमोरॉइड की जांच पाइल्स का नॉर्मली जब पेशेंट आता है हमारे घर पर, हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, फिंगर से पहले असेस कर लेते हैं कि एनल कैनल में कुछ है क्या, पेशेंट को पेन कहाँ है, कितना पेन है, कितना स्पाजम है, ये पीआर डिजिटल एग्जामिनेशन से हो जाता है। उसके अलावा हम फिर पेशेंट को प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, उसमें कुछ प्राइमरी हमको कुछ दिखना हो तो दिख जाता है। उसके अलावा अगर हमको लगता है कि पेशेंट को डेप्थ में कुछ है तो हम उनका एक वीडियो एंडोस्कोपी करके टेस्ट करते हैं, जिसमें 99.9% डिसीजेज लोअर रेक्टम से लेके एनल कैनल के मैक्सिमम हमको डिजीजेस बहुत ही क्लियरली स्क्रीन पे व्यू हो जाते हैं, जिसमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, अगर पॉलिप्स, पैपिला कुछ भी रहेगा, इवन लोअर रेक्टम में अगर पेशेंट को सीए यानी कि कैंसर के भी गठाने हो तो भी हमको वो दिख सकती है। उसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर रहा तो उसमें हमको उसका रिफ्लेक्शन हमको एनल कैनल में दिखेगा, यानी कि प्रोक्टाइटिस रहेगा पेशेंट में, ये भी हमको कहते ये वीडियो एंडोस्कोपी में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो करना ही चाहिए पेशेंट ने, अगर क्योंकि ज़्यादा हो गया तब करना है ऐसा नहीं, जितना जल्दी करेंगे उतना उनका फ़ायदा है। एकदम इनिशियल स्टेज में अगर हमको सारी डिसीजेज दिख जाती है तो पेशेंट दवाई से बहुत अच्छी से ट्रीट हो सकता है, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, एनोरेक्टल वीडियो एंडोस्कोपी, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसकी जो उपचार पद्धति है किस तरह से होती है, इसकी उपचार कैसे? इसकी उपचार पद्धति साधारणतः हमारे हॉस्पिटल का जो आज तक का नियम रहा है जो हमने बनाया है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के कारण, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल्स में ये बार बार होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हर दो साल में सर्जरी करेंगे? पॉसिबल नहीं ना, तो बार बार सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मेडिसिन का ऑप्शन देते हैं पेशेंट को। मेडिसिन इज़ द बेस्ट ऑप्शन एवर, हर कोई यही बोलता है, सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। सर्जरी वो ऑप्शन है जब मेडिसिन से कुछ भी नहीं हो रहा, देन एंड देन ओनली वी शुड गो फॉर द सर्जरी, क्योंकि सर्जरी क्या, सर्जरी में आपको एनेस्थीसिया में जाना है, एडमिट रहना है, उसके बाद आपके बॉडी में सर्जिकली हम कट करेंगे, ये सब करेंगे। तो अगर छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, माइनर चीज़ें हो रही है जो फ़िलहाल मेडिसिन से ठीक हो सकती है, तो मेडिसिन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी पैथीज़ में ये पाइल्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो सिम्टोमेटिक होती है, इमरजेंसी में आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप चाहे तो होम्योपैथिक ले लो, चाहे आप एलोपैथी ले लो, बट अगर आपको लगता है कि मेडिसिन से आपको ठीक होना है, वो अगर हीमोरॉयड बन गया है, जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि आपको ग्रेड वन ग्रेड टू हीमोरॉयड है, तो ये आपका एलोपैथी या होम्योपैथिक में ठीक नहीं होगा, आपका सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, इसमें पेन ठीक होगा आपका, सिर्फ ब्लीडिंग कम होगा टेम्प्ररी, बट हीमोरॉयड जाएगा तभी ये सारे सिम्टम बार बार नहीं होंगे ना। तो हीमोरॉयड जाने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही बेस्ट है, हीमोरॉयड का साइज ही कम कर देता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अगर ग्रेड वन में हो तो पूरा नील हो जाएगा, ग्रेड टू में हो तो ग्रेड वन से भी नीचे चला जाएगा, ग्रेड थ्री में हो तो भी ग्रेड टू के नीचे चले जाओगे। अगर सपोज आपको 2-3 साल सर्जरी नहीं करना है, या फिर आप टीचर हो, आपका जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है और आपका भी पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको लगता है कि नहीं मैं बीच में छुट्टी नहीं ले पाऊँगा, तो आप पूरा 1 साल 1.5 साल 2 साल, कई बार तो पेशेंट अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले ले तो जो किसी डॉक्टर ने उसको सर्जरी बता दिया है, तो मेरे ऐसे कई पेशेंट हैं जो मेडिसिन से 3-3, 4-4 साल उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि अगर आज किसी पेशेंट कोई पेशेंट मेरे पास आता है और बोलता है कि हमको डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी कर लो, आपको तकलीफ ज़्यादा है, तो और मैं बोलती हूँ उनको कि नहीं आप फिलहाल सर्जरी मत करो, मेडिसिन ले लो, तो मेडिसिन ले लिया पेशेंट ने और पेशेंट के समझो 4-5 साल निकल गए, ये हो गई एक केस, तो उसके 5 साल बाद उसको सर्जरी करनी पड़ रही, ओके 5 साल बाद उसको फिर से हुआ और ज़्यादा हो गया और हम सर्जरी कर रहे हैं, ये एक सिचुएशन हो गई। अब सेकंड सिचुएशन लेंगे हम, जहाँ पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर ने सर्जरी बताई, पेशेंट ने सर्जरी कर ली, अब 4 साल उसके बाद उसका लाइफस्टाइल फिर भी वैसा ही चलते रहा, और 4 साल बाद उसको फिर से वैसा ही सेम टू सेम उतना ही बड़ा हीमोरॉयड हो गया, तो फिर से उसको डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी करो, वो फिर से सर्जरी करेगा क्या?
तो क्या हर दो साल में सर्जरी करना ठीक है? तो ये आप पहली सिचुएशन देखिए कि पहले उसके 4 साल निकल गए, सेकेंड टाइम उसको सर्जरी करनी पड़ी, यानी कि उसको 4 साल में एक ही बार सर्जरी करनी पड़ी, इसको 4 साल में 2 बार सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी ये कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो बार बार की जाए, इसलिए इस फील्ड में मेडिसिन ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन सर्जरी बुरी है ऐसा नहीं कहना है मुझे, सर्जरी की जहाँ नीड है वहाँ करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको अवॉइड करोगे तो आपका डिसीज़ बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेट होगा। जहाँ आपको डॉक्टर ने बोल दिए हैं और आपको लगता है कि डॉक्टर रिलायबल है, आपको उन पे भरोसा है, तो आपको सर्जरी करना चाहिए। वो सिचुएशन अगर वैसी है कि बिना सर्जरी के नहीं हो सकता, अगर डॉक्टर बोल रहे कि नहीं नहीं इसमें तो सर्जरी के बिना कुछ नहीं होगा और इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो फिर आपको ऑपरेट करना ज़रूरी रहेगा। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे सर्जरी कर लिए उसके बाद में भी हीमोराइड हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है फिर से होना। ये सर्जरी ना ही सर्जरी का कोई रोल है उसमें, फिर सर्जरी कर ली तो कभी होगा ही नहीं ऐसा, और ना ही ये डॉक्टर ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं की होंगी। हाँ ये एक हाथ बार इसलिए हो सकता कि अगर आपने प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीट नहीं किया है, कोई सर्जरी नहीं, कोई मिस क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, आप किसी क्वैक्स के पास या फिर ऐसे जाते हो जो नॉन क्वालिफाइड, जो डॉक्टर ही नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, लोग तो वैद ऐसे ही कोई तो भी 10वीं पास 12वीं पास बस लेके बैठ गए लोग, कुछ तो भी धागा दोरा उसके पास जाके आप कर रहे हो, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर सर्जन के पास जा रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर फिर से हो रहा तो ये आपका दोष है, आपके लाइफस्टाइल का दोष है, आप कहीं तो लैक कर रहे हो आपके इसमें लाइफस्टाइल में। जैसे मैंने आपको सबसे शुरुआत में ही बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, पहले ही जो आपको बीमारी हुई है वो आपके गलत लाइफस्टाइल के कारण हुई है। आपने अब उसको पूरा ट्रीट कर लिया, ठीक कर लिया, अब अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा ना हो तो आपको डॉक्टर के बताए अनुसार अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही चाहिए, और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो दोबारा होने का चांस 99% तो नहीं रहेगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर पेशेंट प्रॉपर फॉलो करता है तो। मेरे 15 से 20 साल हो गए अभी मेरे कितने पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं जो ऑपरेटेड है 15 साल पहले 17 साल पहले, किसी दूसरे रिलेटिव को ले आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उनको कभी दोबारा पाइल्स नहीं हुआ एक बार ऑपरेट होने के बाद। हाँ ऑपरेट होने के बाद भी अगर कभी पेशेंट को कभी मोशन ही हार्ड नहीं आएंगे ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत सिचुएशन अगर गलत हो जाती है, आप कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं, कहीं शादी ब्याह में अटक जाते हैं और आपको मोशंस थोड़े हार्ड आ रहे हैं और जलन हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं हो कि आपको इमिजिएटली पाइल्स ही हो गया, अरे मैंने तो अभी 2 साल पहले ऑपरेट किया आज मुझे जलन क्यों हो रही। शंका ना रखे, डॉक्टर तो आपको समझाते ही हैं, नहीं समझाते तो समझाना चाहिए कि ऑपरेशन होने के बाद भी अगर आपको कभी हार्ट स्टूल होता है और स्टूल घिस के आता है तो आपको वहाँ पे बर्निंग हो सकता है, पेन हो सकता है, इमीडिएट आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो जो वुंड हुई है, वो जो वहाँ घाव हुआ है उसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए, तुरंत ठीक कर लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन करेक्ट कीजिए, तो मस्से नहीं बनेंगे, जो इंजुरी हुई थी वो ठीक हो जाएगी, तो आप फिर से पाइल्स में लैंड अप नहीं होंगे। मैडम मुझे एक बात बताइए, एनल रीजन में जो बीमारियां होती है उसमें उपचार पद्धति जो होती है, जैसा एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और एक मॉडर्न एलोपैथी, तो इसमें से आप कौन सी अच्छी यानी उपचार पद्धति आप? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पाइल्स ट्रीटमेंट में अगर आपको मेडिसिन लेना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ मेडिसिनल ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्जरी हम बार बार नहीं कर सकते, मेडिसिन हम बार बार ले सकते, ठीक है ना, तो इसमें मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप देखेंगे तो आयुर्वेदा ही बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना बाकी सारी पैथीज में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ओनली आपका पेन कम होगा या ब्लीडिंग कम हो जाएगा, टेम्प्रेरी आपको इमरजेंसी में अगर आपके पास कोई स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लीजिए प्राइमरी ट्रीटमेंट एलोपैथी या होम्योपैथी, बट अगर आपको ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना है पूरा ठीक होने के लिए तो आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट फॉर पाइल्स ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन। एंड सर्जरी 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 डोंट हैव एनी पैथी, सर्जरी इज़ अ प्रोसीजर एंड इट इज़ डन बाय, इट इज़ वेल डन बाय एनी सर्जन। जो सर्जरी है वो तो सर्जन्स करते हैं जो भी, वो प्रॉपरली वो एक ही तरीके की होती है, उसमें सर्जरी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सर्जरी सर्जरी है, बट मेडिसिन आयुर्वेदा बेस्ट है अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपको ठीक होना है। फिलहाल तो आपके डायग्नोसिस के पे डिपेंड रहेगा वो कि आप मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं या नहीं, जो आपको डॉक्टर बताएंगे। मैडम मुझे एक बात बताइए, काले हॉस्पिटल में डेली ओपीडी में कितने पेशेंट्स आते हैं?
और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो आप रोज सर्जरी कितनी करते हैं और अभी तक कितनी सर्जरी आप कर चुके हैं? काले हॉस्पिटल में रोज़ करीब 35 से 40 पेशेंट चेक होते हैं, और जिसमें हम अभी तक के अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख से ज़्यादा पाइल्स पेशेंट हम देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं आज तक की हमारी 24 साल के सफ़र में। और उसके अलावा सर्जरीज हमारे यहाँ एक अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 हज़ार तो हो गई होंगी। और डेली कितनी होती है सर्जरी? डेली एक 4 से 5, कभी 3, कभी 4, कभी 5, और कभी कैंप्स रहे तो फिर ज़्यादा भी रहते। कैंप में हम लोग 7 से 8 भी सर्जरी एक बार में ले लेते हैं। तो मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि काले हॉस्पिटल की विशेषताएं क्या है? काले हॉस्पिटल की ये सबसे विशेषता यह है कि यहाँ पे एट अ टाइम मेल और फीमेल दो सर्जन्स है, और दोनों भी एनोरेक्टल में स्पेशलिस्ट है। दोनों का स्पेशलाइजेशन इन 4 सूत्र है, फ्रॉम येरला मेडिकल कॉलेज खारघर मुंबई से। और जो 1 साल का फेलोशिप है, जो हम जैसे फिस्चुला डिसीज में जो 4 सूत्र यूज़ किया जाता है उसका भी एक स्पेशल स्पेशलाइजेशन रहता है, वो हम लोग ने किया है। ये हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे अन्य ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदा में उपलब्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता पाऊँगी कि हम यहाँ ये यहाँ की स्पेशलिटी यह है कि जहाँ अगर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो हम पेशेंट को कभी सर्जरी एडवाइस नहीं करते, उनको मेडिसिन के लिए ही कन्विंस करते हैं। पेशेंट अगर बहुत दर्द में आके फ्रस्ट्रेट होके बोल भी दे कि हमको सर्जरी कर ले, कई बार एक्यूट फिशर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बहुत पेन होता है और पेशेंट बोलता है कि नहीं कुछ भी करो डॉक्टर साहब, बस आप ऑपरेशन कर दो चलेगा मुझे, लेकिन मेरा पेन कम होना चाहिए। पर ऐसे पेशेंट को भी हम कभी ये नहीं बोलते कि नहीं हाँ हाँ ठीक है ऑपरेशन कर लो। अगर उसको नीड रहेंगी तो ही, बहुत नीड रहेंगी तो ही हम सर्जरी करते। मेडिसिन से ही हम लोग पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करते, खास करके यंग पेशेंट्स को, जिनको जिनका लाइफ अभी और काफ़ी उस उनके हर्डल्स आने वाले हैं उनके लाइफ में, और उनको बार बार पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर मेडिसिन से हम ट्रीट कर पाए तो मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। दूसरी बात, हमारे हॉस्पिटल में कई अन्य ट्रीटमेंट भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है, किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है, स्किन एंड हेयर के लिए आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज फीमेल्स में, पीसीओडी, इन सब के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे यहाँ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में फीमेल पेशेंट्स में मल्टीपल डिलीवरीज के कारण जो वजाइनल लूजनिंग होता है उसके उसका ट्रीटमेंट, ज़्यादा ज़्यादा उम्र वाली 40 से 50 साल की उम्र की महिलाओं में जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है यानी यूरिन रोक न पाना, उस डिसीज़ के लिए यहाँ पे अपने यहाँ ट्रीटमेंट है। बार बार होने वाले इन महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट है। तो ऐसे और काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, और मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है। ये ब्यूटी है इस हॉस्पिटल की। उसके अलावा ऑपरेशन के दौरान उनको 2 सर्जन का बेनिफिट मिलता है कि सर के जो भी पेशेंट ऑपरेट होते हैं उनमें असिस्ट मैं करती हूँ, और मेरे जो भी पेशेंट ऑपरेट होते हैं तो मुझे सर असिस्ट करते हैं। तो दे गेट द बेनिफिट ऑफ 2 सर्जन्स एट अ टाइम। दिस इज़ द मीन्स स्पेशलाइजेशन ऑफ आर हॉस्पिटल। मैडम मुझे एक और एक बात बताइए, जैसे महिलाओं के लिए कुछ विशेष ट्रीटमेंट या सुविधाएं मिलती है काले हॉस्पिटल में? जी, वही जो मैंने अभी बताई आपको कि महिलाओं के लिए गायनेक कॉस्मेटोलॉजी है, और कहते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, पीरियड प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम्स होती है, एक्ने यानी कि पिंपल्स, हेयर फॉल, स्किन स्किन इन्फेक्शंस, इन सभी के लिए ट्रीटमेंट अपने यहाँ महिलाओं के लिए अवेलेबल है। पीसीओडी, ये सब महिलाओं से संबंधित बीमारियाँ जितनी भी है वो उनकी सारी सुविधाएँ अपने यहाँ उपलब्ध है।